वीडियो के स्पॉन्सर है नॉनस्टार प्रो स्पोर्ट पेडिक्शन ऐप, और इस ऐप में आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। जैसे कि इस गेम के अंदर मिल जाएगी आपकी क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, बहुत सारी गेम्स मिल जाएगी, और इसके स्कोर को आपको प्रेडिक्शन करनी है, और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आपको मिल जाएगी रियल कैश, और उस रियल कैश को आप कन्वर्ट कर सकते हो आपकी फोन पे, बैंक एंड पेटीएम पे आप ले सकते हो उस पैसे को। और कैसे करनी है गाइस, अगर कल सोच लो कि कल एक मैच हो रही है क्रिकेट का, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मैच हो रही है, सोच लो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच हो रही है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको पिक करनी होगी आपकी पिक्स को, और यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कौन सी टीम जीतेगी, तो आपको जो टीम लगती है कि जीतेगी तो उस टीम पे क्लिक करनी है, कितने स्कोर होंगे क्लिक करिए, कौन अच्छा खेलेगा क्लिक करनी है, कौन आउट हो जाएगा क्लिक करनी है, ये सब करने के बाद और ये सब सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होता है तो आप जीत जाओगे टूर्नामेंट, आपको मिल जाएगी रियल कैश, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिल जाएगी 100 रुपीज ज्वाइनिंग बोनस। तो क्या कर रहे हो गाइस, फटाक से डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। हेलो लो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि यार प्रो कैसे बन जाए, खेल कैसे। प्रो बनने की बात नहीं है गाइस, मेन टॉपिक ये है कि आप हीरोइक में कैसे जल्दी पहुंचोगे, कितनी अच्छे से आप खेल पाओगे, किस तरीके से आपको खेलना चाहिए, कौन सी गन्स बेस्ट होती है और कौन सी कैरेक्टर बेस्ट होती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। तो गाइस, जो भी बंदे देख रहे हो फटाक से एक लाइक मार दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैरेक्टर कौन सी बेस्ट है एंड कौन सी गन आपको कुछ किस टाइम पर यूज़ करना चाहिए, कौन सी गन बेस्ट होती है। उससे पहले चल जाते गए न्यू ऑफर के ऊपर। न्यू ऑफर चल रही है बैलून इवेंट, जो होली इवेंट है बोल सकती हो, तो इसमें आपको एक दिन में 7 बैलून कलेक्ट करने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तो 7 बैलून कलेक्ट, यहाँ पे 40 बैलून में या 30 बैलून में आपको गिफ्ट क्लेम करने को मिल जाता है। देखो तो 30 बैलून में आप एक काली वाली मार्क्स क्लेम कर सकते हो, एंड आप 40 बैलून अगर कलेक्ट कर लेते हो तो आप भाई यहाँ पे क्लेम कर सकते हो 10-10 जो हमारी स्किन की मतलब हमारी फार्मर्स की स्किन की कैरेट है उसको आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगा अगर आपके पास क्लॉथ्स नहीं है तो आप मार्क्स गिफ्ट करो, मतलब क्लेम करो, एंड आपके पास अगर मार्क्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए परमानेंट स्किन तो भाई ले सकते हो बहुत ही आसानी से, क्या पता आपको मिल जाए परमानेंट, आपकी मर्ज़ी भाई कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही ऑफ़र बहुत ही बढ़िया है। और चलते गाइज हमारी न्यू अपडेट के ऊपर, मतलब ये तो सब सिंपल है गाइज, आपको पता ही होगा कैसे मिलते बैलून वगैरह, आपको गेम खेलना पड़ता है, जैसे कि सिंपल है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक रैंक मैच खेलने का 1 बैलून मिलता है, दूसरा क्लासिक मैच खेलने का 1 मिलता है, 7 मैच खेलने का आपको 2-2 मिलते हैं बैलून, ऐसे लिखा हुआ है गाइस, ये सब देख के आप क्लेम कर सकते हो। अभी चलते हैं दूसरे गाइस कि जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले आप लोगों को उसके ऊपर, तो मेन टॉपिक आ जाते हैं गाइस, मैच में जीते कैसे, हीरोइक में कैसे जाए गाइस, क्योंकि मैं जो हूँ मैं ऑलरेडी मतलब क्या बताया गाइस पूरा मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऑल टाइम हीरोइक पे रहता हूँ गाइस। जैसे कि देख सकते हो मेरी कोई भी स्टीम खोल कर देख लो, मैं हीरोइक पे ही खेलता रहता हूँ, और डायमंड फोर हीरोइक यही पे मैं घूमता रहता हूँ। और गाइस तो मेरी ख्याल से आपको हीरोइक जाने में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करती हो। तो गाइस शुरू करते इस वीडियो को, और आपको बता देते हैं गन के ऊपर से M4A1, जो भी बंदे पूछते गाइस M4A1 गन कैसा है, गाइस हर एक गन्स अच्छी है फ्री फायर में, लेकिन उसकी यूज़ के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। M4A1 गाइस हेडशॉट एंड बहुत ही खतरनाक शॉट, लेकिन उसकी फायर रेट बहुत ही कम है, मैं पहले बता देता हूँ M4A1 की फायर रेट कम है। तो बहुत सारे बंदे पूछेंगे फायर रेट मतलब गोली जो निकलती है वो निकलने की स्पीड को बोलते हैं फायर रेट। तो M4A1 की निकलने की स्पीड कम है, लेकिन उसकी गोली जो है सीधे जाती है गाइस विदाउट मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि दूसरी फार्मास वगैरह देख सकते हो AK-47 जिसमें गोली रिकॉयल करती है, रिकॉयल की मतलब गोली बिखर जाती है उस जगह पे गाइस M4A1 बहुत ही अच्छा है, सीधे गोली जाती है। AK-47 में अगर सब कुछ लगा दो तो AK-47 बहुत ही खतरनाक डैमेज देती है, या नॉर्मल भी बहुत ही खतरनाक डैमेज देती है, लेकिन AK-47 की गोली लगती नहीं बंदे को, अगर लग जाती तो बहुत ही खतरनाक डैमेज देती है। दूसरी तरफ हमारी ये M14 देख सकते हो, M14 भाई कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट एक गोली 50 डैमेज दे सकती है, 40 डैमेज दे सकती है, लेकिन ये पहले की वक्त में आप यूज़ करो, उतरने के सामने अगर आप मिल जाता है तो बढ़िया होता है, मतलब उतरे आपको कुछ नहीं मिला M14 मिल रही है तो ले लो। तो गाइज उसके बाद स्कार की स्किन की बात करें तो स्कार गाइज मिड रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में दोनों तरफ बहुत ही अच्छी गन है, और मेरे को लगता है फ्री फायर में 2nd प्लेस पे स्कार को रखना चाहिए, क्योंकि स्कार बहुत ही मस्त एक गन है जिसमें मतलब सबकी फेवरेट मिड रेंज। और MP40 की बात करें तो गाइज MP40 किंग है गाइज, शॉर्ट रेंज में सबसे किंग मतलब सबसे खतरनाक गन्स में है MP40। ठीक है,
MP40 है सबसे खतरनाक गन। शॉर्ट गन की सामने क्या बताऊँ, शॉर्ट गन कुछ नहीं है, शॉर्ट गन से बंदे ठोक ही नहीं पाएंगे अगर मेरे हाथ में MP40 होती है। ठीक है, कभी बहुत ही रेयर मतलब 1 या 2% चांस होती है शॉर्ट गन से मेरे को गिराने की। और MP40 गाइस सब लोग यूज़ करो, बहुत ही खतरनाक गन है। और क्या बात सकते हैं, मतलब MP40 के सामने सब फीका है। ठीक है, और गाइस जो फार्मास की हम लोग बात करते हैं, फार्मास इतना टाइम तक दिखा रहा आप लोगों को, तो फार्मास क्या है गाइस, ऑलराउंडर गन से, मतलब ऑलराउंडर में तो समझ भाई चारों तरफ से बेस्ट है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप नीचे उतर रहे हो गेम में, अभी अभी एंट्री ली हो और आप लैंडिंग के टाइम में आपको फार्मास मिलती है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन होती है लाइक M4A1 की, तो भाई उसी टाइम पे आपको M4A1 उठाना चाहिए, ना कि फार्मास उठाना चाहिए। क्योंकि भाई होती है भाई टाइमिंग, कौन सी गन उस टाइम पे मतलब किस टाइम पे आपको यूज़ करना होता है। क्योंकि फार्मास में अगर आप ग्रिप नहीं लगाओगे, ये स्कोप नहीं लगाओगे, मिजिल नहीं लगाओ, तो फार्मास बेकार हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते कैरेक्टर की ऊपर गाइस, कैरेक्टर्स हैं गाइस देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जो कैरेक्टर आपको दिखा रहा हूँ गाइस, इसमें जो केरी कैरेक्टर है, तो वो भाई आपको बढ़िया कैरेक्टर है, आप उसको ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। क्योंकि गेम में क्या होता है, डुओ एंड सोलो में जब आप रैंक पुश करते हो, रश करते हो, रैंक को ऊपर लेने की कोशिश करते हो, उसी टाइम पे आपको उतरने के टाइम पे अगर आप सोलो या डुओ खेलो, बहुत सारे बंदे आसपास आ जाते हैं और एक ही जगह पे लैंड हो जाते हैं, उसी टाइम पे आपकी सबसे एक नंबर ऑप्शन होती है उसे मुक्के से गिराना या फिश फाइट करना। क्योंकि बंदा वो कहीं ना कहीं गन के पीछे दौड़ोगे और गन उठाएगा, जब जब वो गन उठाएगा ना, उसी टाइम पर आपको जाके उसको मुक्का मारनी है, जस्ट वो बंदा खत्म। यही होता है हर वक्त में, बहुत टाइम में, हर वक्त में तो बहुत टाइम में, इसी वजह से मारा जाता हूँ गाइस। क्योंकि मैं गन उठाता हूँ और पीछे से कोई बंदा मेरे को मुक्का मार देता है। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कैरेक्टर आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही अच्छी है और आप केली को यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है गाइस। मैं नहीं बोल रहा कि यूज मत करो, लेकिन बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, आप ले सकते हो उसको। उतरने के बाद बंदे को बंदूक लेने दो, आप जस्ट उसे मुक्का मारो, वो बंदा खत्म। वो आपको 5 गोली मारेगा, आप उसे 1 मुक्का मारोगे, बंदा खत्म। 350 या 400 का डैमेज दे देता है बहुत ही आसानी से। दूसरी तरफ चलते हो भाई निकिता, भाई निकिता भाई बहुत ही एक अच्छी कैरेक्टर ले सकते हो। क्योंकि अगर आप MP40 यूज करते हो तो निकिता लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि रिलोड भाई गोली रिलोड में फंस जाती है। MP40 वर्सेस MP40 चल रही है, उसी टाइम पे अगर गाइस किसी का रिलोड में फंस जाता है, तो गाइस जिसका जल्दी रिलोड होगा वही बंदा जीतेगा। तो भाई मैक्सिम, मैक्सिम के ऊपर बात करें तो गाइस मैक्सिम है बहुत ही अच्छी कैरेक्टर, निकिता एंड मैक्सिम, निकिता एंड मैक्सिम भाई बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है। ये दोनों भाई आपको दोनों ही लेने चाहिए, मेरे ख्याल से तो दोनों ही लेना चाहिए। फर्स्ट भी मैं निकिता एंड मैक्सिम दोनों टाइम पर यूज़ करता हूँ गाइस, दोनों यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो 3 नंबर ऑप्शन होता है उस पर मैं दूसरी कैरेक्टर लेता हूँ, जैसे मैं दूसरा कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन निकिता एंड मैक्सिम ये दोनों कैरेक्टर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर मतलब लेके आप दूसरी कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हो, लेकिन निकिता जो है हमारी रिलोड में हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप बहुत टाइम जीतोगे, और मैक्सिम जो है आपकी मशरूम खाने में एंड मेडिकेट जल्दी लगाने में आपको हेल्प करेगा, जो बहुत ही भाई जब आप लड़ाई करते हो जल्दी से जल्दी आपको मेडिकेट मारना होता है तो उसके लिए बेस्ट है। तो गाइस मेरी चॉइस यही है मैक्सिम एंड निकिता, ये बंदा दो ले लो, उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर ले लो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से कमेंट करो, आपकी कोई मर्जी है कुछ भी है। और बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं कल की स्ट्रीम पे।